हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ लेकर आई हूँ समर ड्रिंक्स की रेसिपी। तो ये जो समर ड्रिंक्स होती हैं, वो जब भी आपके घर में कोई गेस्ट आए तो उसे बनाकर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं समर ड्रिंक्स। तो सबसे पहले हम बनाएंगे वाटरमेलन फ्लेवर में। तो मैंने आप ये तरबूज को छोटे छोटे पीसेस में कट करके लिया है। ये आधा कप तरबूज है और मैं इसमें डाल रही हूँ ये चीनी। तो ये 4 चम्मच मैंने इसमें चीनी डाली है। आप चाहें तो पाउडर शुगर भी ले सकते हैं। और ये 2 नींबूओं का रस लिया है मैंने। ये नमक डाला है 1/4 टीस्पून। 1/4 टीस्पून मैंने डाला है काला नमक। ये मैंने भुने हुए जीरे का पाउडर लिया है 1/4 टीस्पून। और थोड़ा सा पानी डाल देंगे और जार का लिड लगा करके इन सभी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कप पानी। तो पानी डाल दिया है हमने इसमें ये 2 कप। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि पानी जो है वाटरमेलन जूस के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये हमारी वाटरमेलन ड्रिंक बनकर तैयार है और अब हम इसे सर्व करेंगे। तो सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर ग्लास लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ आइस क्यूब्स। आइस क्यूब डालने के बाद हम जो है इसमें अपनी ये ड्रिंक डाल देंगे। और इसके ऊपर से मैं थोड़ी से मिंट लीव्स डाल रही हूँ, यानी कि पुदीने के पत्ते मैंने अच्छे से वॉश करके एकदम फ्रेश मिंट लीव्स लिए हैं। तो ये हमारी वाटरमेलन ड्रिंक बनकर तैयार है और अब हम चलते हैं दूसरी ड्रिंक बनाने के लिए, जो कि है कुकुम्बर ड्रिंक। तो ये मैंने यहाँ पर ग्राइंडर जार लिया है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये 1 खीरा, जिसे मैंने छील करके छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लिया था। और इसके साथ ये 4 चम्मच चीनी, 1/4 टीस्पून सॉल्ट डाल देंगे। और ये 1/4 टीस्पून मैं इसमें काला नमक डाल रही हूँ। और 2 नींबूओं का रस लिया है वो इसमें डाल दिया है। और ये थोड़ी सी पुदीने की पत्ती, फ्रेश पुदीने की पत्ती मैंने धो कर के ली थी। और ये 1/4 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला। तो सारी चीज़ें डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका लेड लगा करके इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो सभी चीज़ें मैंने अच्छे से ब्लेंड कर ली हैं और अब हम इसमें मिलाएंगे पानी। तो मैं इसमें जो है 2 कप पानी ऐड कर रही हूँ। तो ये 2 कप पानी हमने इसमें ऐड कर दिया है, 2 कप पानी डाल दिया है। और इसके बाद हम जो है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी कुकुम्बर ड्रिंक जो है वो बनकर तैयार है और इसे अब हम सर्व कर लेंगे। तो ये इसमें आइस क्यूब्स डाल देंगे। और ये जो हमने ड्रिंक बनाकर तैयार की थी वो इसमें डाल दी है। तो ये हमारी कुकुम्बर ड्रिंक जो है वो बनकर तैयार है और इसे आप सर्व करें, सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरी ड्रिंक बनाना, जो कि है मैंगो ड्रिंक। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये ग्राइंडर जार लिया है और इसमें हम डालेंगे चॉप किए हुए आम। तो ये मैंने आधा आम जो है वो चॉप करके लिया है, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो ये 4 चम्मच चीनी मैंने इसमें ऐड की है। और ये 1/4 टीस्पून नमक डाला है, 1/4 टीस्पून काला नमक और थोड़ा सा चाट मसाला। और ये 2 नींबूओं का रस हम इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब हम इसका लिड लगा करके सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो सारी चीज़ें अच्छे से ब्लेंड कर ली हैं, आम हमारे अच्छे से पिस चुके हैं। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कप पानी। 2 कप पानी डाल दिया है, उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये हमारी मैंगो ड्रिंक भी बनकर तैयार है, इसे भी हम सर्व कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये ग्लास लिया है और इसमें हम डालेंगे आइस क्यूब्स।
तो जब तक मैं ये मैंगो ड्रिंक सर्व कर रही हूँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको ये ड्रिंक्स की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये हमारी मैंगो ड्रिंक भी बनकर तैयार है, और इस तरीके से मैंने आप ये तीनों ड्रिंक जो हैं वो बनाकर तैयार कर ली हैं। तो आपको जो भी ड्रिंक पसंद आई हो वो आप बनाकर के इंजॉय करें, और आपके घर में जब भी कोई गेस्ट आए उसे सर्व करें, बहुत ज़्यादा पसंद आएगी सभी को ये ड्रिंक। तो और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं रेसिपी आपको कैसी लगी ड्रिंक्स की। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।